हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। जैसे कि आज तक आपने मेरे वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज से मैं अपने वीडियो में एक नया सिलसिला, एक नया अध्याय शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। और ये मैं इसके लिए शुरू करने के लिए जा रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग अपनी परेशानियों के लिए मुझे इससे सवाल पूछते हैं। पर्सनली हर एक व्यक्ति को आंसर देना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं जो कॉमन परेशानियां हैं लोगों की, उनको लेकर के एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये वीडियो मैं हर वीक आपको देता रहूंगा, जिसमें वीक में जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा और उनका मैं आंसर दूंगा, जिससे वो लोग तो लाभान्वित होंगे ही होंगे। जो ऐसे लोग हैं जो सवाल नहीं कर पा रहे हैं या सवाल कर रहे हैं और मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, उनको भी जवाब मिल पाएगा और वो लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। एक दूसरा मैं इसमें ले रहा हूँ कि जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें जो लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोगों को समझ में नहीं आती हैं, जिनके बारे में लोग रिपीटेडली क्वेश्चन करते हैं, तो उनके लिए मैं एक कॉमन आंसर दे दूँगा कि इस वीडियो में ये बताया था, ये उपाय है और इसको इस तरीके से करना है, तो वो लोग भी समझ जाएंगे। ये दो चीज़ें ली हैं। तीसरा एट द एंड कि इस वीडियो में और क्या आएगा, तो इस वीडियो में आज के दिन का उपाय आएगा कि आज के दिन आपको क्या करना है, आज के दिन ये उपाय करना है, तो आज के दिन आप जो कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिले। हाँ, तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, जिन्हें अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मेरे वीडियो का और मेरे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, जिससे आप आपके जीवन में लाभान्वित हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में मैंने सबसे पहला जिसे चुना है वो है सूरत ओलपाड गुजरात से बिना बर्फी वाला, जिनका सवाल ये है कि उनके शरीर में काफ़ी तकलीफें हैं, उनके घर में कोई उनकी सुनता नहीं है, घर में कलेश रहता है, आर्थिक तंगी है। तो ये उनके लिए है, जैसे कि उनका जो जन्म है 20 अप्रैल 1964, उस हिसाब से मैं उनको आंसर दे रहा हूँ कि उनको सोमवार के दिन का उपवास करना है। किस सोमवार से उपवास शुरू करना है? जिस सोमवार को चित्रा नक्षत्र हो उस सोमवार से उनको उपवास शुरू करना है। उपवास में उनको सफ़ेद चीज खाने में लेनी है, सफ़ेद ही वस्त्र पहनने हैं और हो सके तो सफ़ेद ही चीज़ों का उनको दान करना है। ऐसे उनको कम से कम 7 सोमवार करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 54 सोमवार का उपवास उनको करना है। जहाँ तक मेरा मानना है 7 सोमवार में उनको उनकी परेशानियों का हल अवश्य ही मिल जाएगा। तीसरी समस्या मैंने ली है गीता चोपड़ा जी की, जिनका कि काफ़ी समय से पैसा दबा हुआ है, उनका पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो मैं उनके लिए बता दूँ कि मैंने जो उपाय बताया है उसको वो श्रद्धापूर्वक करें। जो मैंने मंत्र वाला उपाय बताया, मैंने उस उपाय में बता ही दिया है कि यदि आपको इससे सफलता नहीं मिल रही है तो आपको इस मंत्र की एक माला करनी है, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आप मेरा दूसरा उपाय, यानी कि जो पहले वाला उपाय था उसको भी आप आजमा सकते हैं, कि जो झाड़ू और कंडे वाला उपाय है उसको भी आप आजमा सकते हैं। उसको आप 24 आवर्स में हटा मत दीजिए, उसको आप रख के रखिए, आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा, कोई भी आशंका मत रखिए। दूसरा मैंने चुना है डेली न्यू, एक बहुत ही पुराने समय से मेरे साथ जुड़े हुए, उनका मैंने एक सवाल चुना है, उनका भी समस्या है। उनने मेरे काफ़ी उपाय किए हैं और उनसे उनको सफलता भी मिली है और उनने अपनी सफलता को साझा किया है मेरे साथ, इसके लिए उनका काफ़ी धन्यवाद, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनका जो एक सवाल है कि उनके भी घर में थोड़ी कलेश रहती है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कलेश हर जगह रहती है, थोड़ी ना बहुत, कहीं पर भी ऐसा नहीं है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां आप एकदम शांति से रह सके। हम कहते हैं राम राज्य, लेकिन वहां पर भी तकलीफें थी। आप रामचंद्र जी के जीवन को उठाकर देख लीजिए, वहाँ भी समस्याएँ थी, लेकिन फिर भी मैं एक जो उनका सवाल है उनका मैं जवाब दे देता हूँ कि आपका जो मेन कमरा है, आपका जो मेन हॉल है, वहाँ पर आपको राधा कृष्ण की एक मूर्ति ला करके रख देनी है
और आपको ये ध्यान रखना है कि उसके सामने आप एक कांच का बाउल रखेंगे, उसमें पानी रखेंगे और उसमें आपको गुलाब के फूल एवरीडे ताज़ा उसमें रखने हैं, तो आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। आपके घर में जो भी थोड़ी बहुत कलह है वो निकल जाएगी और आपके घर में सुलह शांति और प्रसन्नता बनी रहेगी। तो दोस्तों अब मैं आ रहा हूँ कॉमन क्वेश्चंस में। जिन लोगों ने मेरे उपायों को देखा है लेकिन क्लियरली समझ नहीं पाए हैं, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने हर एक उपाय में बताया है कि किस चीज़ को, अगर किसी चीज़ को बताया दक्षिण दिशा में रखना है तो उसे दक्षिण दिशा में ही रखना है। अगर मैंने बताया है कि चीज़ों को इस तरीके से रखें कि लोगों की नज़र में ना आए, बच्चों की पहुंच से दूर हो, तो आप उसको वैसे ही रखें। जैसे कि होते हैं कि आप दरवाजे के पीछे रख दीजिए उस चीज़ को, अलमारी के पीछे रख दीजिए, ज़्यादा लोगों की नज़र में ना आए, बच्चों की पहुँच से दूर हो, ऐसी जगह पर उन चीज़ों को रखना है। एक दूसरा, जब तक आपका काम सफल ना हो तब तक उस चीज़ को रख के रखना है। दो, तीसरा, काम सफल हो जाने के बाद में वो जो चीज़ है उसका यूज़ नहीं करना है, बहते पानी में उसे प्रवाहित कर देना है। हो सके यदि आपका काम निकल गया है तो आपके जो भी कुल देवी कुल देवता हैं उसको प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी चीज़ आप पानी में प्रवाहित करेंगे उसके साथ में नारियल 2-5-10 रुपए ये अवश्य प्रवाहित कर दें। इससे क्या होगा कि जो चीज़ आपके कर्म के हिसाब से ही सारा कुछ होता है, जो रुका हुआ था आपका काम, जो नहीं हो रहा था, उपाय करने से हो तो गया लेकिन जो बाधा थी, जो रुकावट थी, उसको भी कुछ ना कुछ चीज़ मिल जाए, तो एक नारियल 2-5-10 रुपए 11 रुपए आप उसके साथ में प्रवाहित अवश्य। जैसे कि मैंने बताया था कि एट द एंड में मैं एक उपाय बताऊंगा आज के दिन के लिए। तो जैसे कि आज मंगलवार है, यदि मंगलवार के दिन आज के दिन आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक काली मिर्च लेनी है और गुड़ लेना है। काली मिर्च के ऊपर आपको गुड़ को इस तरीके से लपेट देना है कि उसकी गोली बन जाए। जब आप काम के लिए घर से निकल रहे हों तब उस गोली को आपको मुंह में रख लेना है। एक चीज़ का ख्याल ध्यान रखना है, उस गोली को चबाना नहीं है, गुड़ धीरे धीरे पिघल जाएगा, काली मिर्च वैसी ही बनी रहेगी। जब तक कि आपका काम सफल न हो जाए तब तक उस काली मिर्च को आपको आपके मुंह में रखना है। जैसे ही आप जहां पर काम के लिए गए थे वहां से निकलते हैं फिर आपको उस काली मिर्च को चबाकर खा लेना है। इससे मंगलवार के दिन आप कोई भी काम करने के लिए निकलेंगे तो उसमें आपको 110% गारंटेड सफलता मिलेगी। और मैं एक चीज़ बता दूं, यदि आपके काम बनते जा रहे हैं तो आप एक 15 सेकंड का वीडियो मेरे साथ में साझा कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आपको जो भी मेरे काम से लाभ हुआ वो आप एक 15 सेकंड का वीडियो मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। उस वीडियो को मैं नेक्स्ट एपिसोड में जो लूँगा, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपके उस वीडियो को ऐड करूँगा। तो देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।